नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों को मेरे चैनल इंडियन ट्रेन की जानकारी में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज जो नई ट्रेन जानकारी है वह है जनसाधारण एक्सप्रेस। इस ट्रेन की जानकारी देने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो डालने पर आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, जनसाधारण एक्सप्रेस का गाड़ी नंबर 13258 है। यह गाड़ी आनंद विहार टर्मिनल से दानापुर के बीच में रोजाना चलती है। आनंद विहार टर्मिनल से दानापुर के बीच की दूरी 999 किलोमीटर है। यह गाड़ी इस दूरी को 17 घंटा 50 मिनट में पूरा करती है। इस गाड़ी का एवरेज स्पीड 57 किलोमीटर पर घंटा है और मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर पर घंटा है। इस गाड़ी में LHB कोच लगी हुई है। यह गाड़ी लखनऊ वाराणसी जंक्शन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन होते हुए दानापुर को जाती है। आनंद विहार दानापुर जनसाधारण एक्सप्रेस अपने समय अनुसार आनंद विहार टर्मिनल से दोपहर 1:35 पर 4 प्लेटफार्म से छोड़ती है। आनंद विहार टर्मिनल का स्टेशन कोड है ANBT। इसके बाद यह गाड़ी मुरादाबाद स्टेशन को शाम 4:32 पर 1 प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 4:42 पर यहां से छोड़ देती है। यहां पर इसका 10 मिनट का स्टॉपेज है। यहां तक यह गाड़ी 153 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। मुरादाबाद स्टेशन का कोड है MB। इसके बाद यह गाड़ी लखनऊ चारबाग को रात 8:00 1 प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 8:10 पर यहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 10 मिनट का स्टॉपेज है। यहां तक यह गाड़ी 478 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। लखनऊ चारबाग स्टेशन का कोड है LKO। इसके बाद यह गाड़ी वाराणसी जंक्शन को रात 2:55 पर 8 प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 3:05 पर वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 10 मिनट का स्टॉपेज है। यहां तक यह गाड़ी 779 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। वाराणसी जंक्शन का स्टेशन कोड है BSB। इसके बाद यह गाड़ी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन को रात 3:55 पर 1 प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 4:05 पर वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 10 मिनट का स्टॉपेज है। यहां तक यह गाड़ी 797 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का स्टेशन कोड है DDU। इसके बाद यह गाड़ी बक्सर स्टेशन को सुबह 5:22 पर 1 प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 5:24 पर वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। यहां तक यह गाड़ी 891 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। बक्सर स्टेशन का कोड है BXR। इसके बाद यह गाड़ी आरा जंक्शन को सुबह 6:14 पर 1 प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 6:16 पर वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। यहां तक यह गाड़ी 960 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। आरा जंक्शन का स्टेशन कोड है ARA। इसके बाद यह गाड़ी अपने अंतिम स्टेशन को 999 किलोमीटर कवर करते हुए दानापुर स्टेशन को सुबह 7:15 पर 3 प्लेटफार्म पर पहुंचती है। दानापुर स्टेशन का कोड है DNR। दोस्तों, इस गाड़ी के टिकट किराए की बात करें जो कि आनंद विहार टर्मिनल से दानापुर तक का है, सभी जनरल टिकट है। इसमें जनरल डिब्बे हैं। इसमें जनरल किराया 255 के करीब है। इस गाड़ी का सटीक टिकट किराया जानने के लिए रेलवे के काउंटर में आप लोग जाकर पता कर सकते हैं। दोस्तों, जनसाधारण एक्सप्रेस की जानकारी यहीं समाप्त हुई। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।